हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये मैं 17 अगस्त का शूट कर रही हूँ और आज जो है एक हलचष्टी करके छुट्टी हमें मिली है, वो केवल महिलाओं के लिए होती है, वो आज है मेरी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जितना भी मैक्सिमम काम जो हो सकता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं है, वो मैं निपटा लूँ। तो अभी मैं उतार रही हूँ दूध पर से मलाई, इसको पकाने के लिए रखूँगी। और जिस बाउल में मलाई रखती हूँ वो फुल हो गया है, तो इसको बड़े भगोने में निकाल लिया है। इसी में वो वाली मलाई भी पलट लूँगी और आज शाम तक इसको घी बनाने के लिए मैं निकाल लूँगी, मतलब मक्खन इससे। अब आज के दिन में स्पेशल ये है फ्रेंड्स कि आज बच्चों का जन्माष्टमी का फंक्शन है स्कूल में, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा प्रॉपर लंच करने का। तो मैंने जो है सोचा है कि कॉर्न उनको बॉईल करके दे दूँगी, वो चलते फिरते भी फटाफट से अपनी छोटी डिब्बी में से निकाल के खा लेंगी। तो इसको जो है बॉईल करने के लिए पहले अच्छे से वॉश कर लिया, जो आइस इसमें जमी हुई है वो हट गई 2-3 बार पानी से धोने से, और इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के इसको माइक्रोवेव पर, मतलब 900 डिग्री वाले टेम्परेचर पर, और 4 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ। तो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से 3 या 4 मिनट रखे जाते हैं, थोड़े कम होते तो 3 मिनट के लिए रखती, ये हो जाएंगे। प्लस उनको एक एक बिस्किट का पैकेट या फिर ब्रेड टोस्ट जो है वो घी नमक वाला सिंपल वाला, वो मतलब वो कह रही है कि मतलब कुछ ऐसा सा दे देना, बस छोटा सा, प्रॉपर मील आज हमें नहीं चाहिए, और मे बी आज वो थोड़ा जल्दी भी आ जाए। तो फिलहाल ये है कि ब्रेड में घी लगा के और ये जीरा पाउडर इसके ऊपर हल्का सा, ये हमारे यहाँ खा लेते हैं कि घी से ब्रेड सेकी जाए, उसके ऊपर हल्का सा नमक और हल्का सा जीरा पाउडर। इसमें अगर घी की जगह मक्खन हो तो और टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन मक्खन आज निकालूंगी तो वो है नहीं। फिलहाल नाश्ता जो है वो एक एक पीस ये इसमें से खा जाएंगी, कॉर्न ले जाएंगी, बिस्किट ले जाएंगी, और अगर कहेंगी तो ये भी एक रख दूंगी, लेकिन बच्चों की मर्ज़ी के आगे ज़्यादा करके चलती नहीं है। और अभी चाय बनाने के लिए जो है मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि आप किचन में वो खड़े हो जाएं, क्योंकि आज मेरा टिफ़िन तो बनना नहीं है। अब जो इनका ये बनाने के लिए इन्होंने बोला है ये सब वो पैक कर देंगे, क्योंकि उनको मुझे फंक्शन के लिए जो है वो थोड़ा सा मेकअप करके आज उन्हें स्कूल में जाना है। तो आरोही जो जा रही है वो इंडियन ड्रेस में जाएगी, तो उसका तो प्रॉपर आई मेकअप वगैरह भी थोड़ा सा करके भेजूँगी। और आराध्या को जो है डांस करना है, लेकिन जीन्स टी शर्ट और दुपट्टा कमर में बांध के करना है, तो उसको बहुत ही स्लाइट सा मेकअप होना है, तो केवल एक पिंच आईलाइनर और हल्की सी उसको लिपस्टिक लगेगी बस, लेकिन आरोही का थोड़ा सा मेकअप होगा। तो यहाँ मेरे को ये एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है, इसलिए चाय वगैरह आज ये बनाएंगे। अब मैं इसका मेकअप कर रही हूँ, तो इसको तैयार होने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इसके आईलिड जो हैं वो लाइनर सूखे ना, और ये पहले ही खोल लेती है, तो कई बार फैला लेती है, डांट भी खाती है इस बात पे। तो अभी मैं इसका आई मेकअप अच्छा सा करके और लाइनर वगैरह लगा रही हूँ, ये रेडी हो गई है। तो अब आराध्या नहा कर आ गई है, इतने अब आराध्या के बाल भी अब इस लायक हो गए हैं कि पिनविन लग के अच्छे से बन जाते हैं थोड़े से। और इसको जो ड्रेस कोड मिला है वो ब्लू जीन्स, ब्लू टी शर्ट और येलो दुपट्टा इसके मैम शायद कमर में बांधेंगी, तो वो ये रख के ले जा रही है। बाकी बुखार अभी तक भी इसका प्रॉपर मतलब रिकवरी नहीं हुई है, तो मुझे इसको भेजते हुए आज बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि कल ये गई है प्रैक्टिस कर रही थी, तो इसकी तबीयत शाम में और बेकार सी हो गई थी। अब जल्दीबाजी में मैं भूल ही गई कि इन्हें भेजने के साथ शूट भी करना है, तो बहुत ही भागते भागते इनकी ये हल्की सी एक झलक सी शूट हो पाई, और बच्चे जो हैं फ़िलहाल अपना बैग और सामान लेके चले गए हैं। और मैं जो हूँ दोपहर के लिए पनीर मखाना और आलू की सब्ज़ी जो है वो बनाऊँगी, तो इसकी मैं तैयारी वगैरह जो है सोच रही हूँ कि अभी कर दूँ, क्योंकि टाइम जो है वो दोपहर का अगर मैं खाने के लिए रखूँगी तो फिर कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाएगा। तो सब्ज़ी वगैरह बनी रहेगी तो ये रहता है कि रोटी सिक जाएंगी। तो मैं जो हूँ, अब बच्चे नहीं हैं तो तैयार होके जो बैठ के बोलने वाली एक दो वीडियो होती हैं उस वाले दूसरे वाले चैनल के लिए, उसके लिए शूट कर लूँगी, या फिर इसके लिए भी एक आध अगर ऐसा कोई टॉपिक लिखा हुआ होगा तो उस पे मैं बना लूँगी, ये मेरा प्लान है। तो पूरी दोपहरी के जो हैं वो 2-3 घंटे कम से कम उसमें लग जाते हैं, तो वो मुझे मिल जाए, इसलिए सब्ज़ी जो है मैं अभी बना के रखूँगी। अब यहाँ पर वही मेरा प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक और ये वाली ग्रेवी है, और वही चारों मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और किचन किंग।
इन सबको भूनने के बाद जब वो हो गए तो पहले मैंने एक आलू छोटा सा काट के इसको पहले आलू को ही गलाने की तैयारी करी है। जब आलू गल जाएगा, ये पक जाएगा, उसके बाद पनीर और मखाने में टाइम नहीं लगेगा, तो वो मैं बाद में डालूंगी। तो पहले यहाँ पे आलू को ही गला रही हूँ। अब फ्रेंड्स ऐसा है कि आज की जो ये छुट्टी है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा मिली हुई है, तो ऐसी छुट्टी मुझे मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही कर लूँ, शॉपिंग भी कराऊँ, सो भी लूँ, वीडियोस भी बना लूँ, सब कुछ कर लूँ ऐसा लगता है। लेकिन अगर प्लान करके ना चलें तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, इसलिए सुबह अपने टाइम पर ही उठ गई थी। सुबह का काम मैंने बिल्कुल स्कूल जैसा ही सफाई वगैरह सब कुछ निपटा लिया था, और बच्चों को भेजने के बाद अब एक तो अंदर जो बिस्तर रह गया है वो रखना है बस मुझे, और मतलब ये खाना वगैरह जो है मैं बना ही दूँगी अभी। अब ये जो है इतने सब्जी पकेगी, इतने में बीच बीच में जाके जो है वो बिस्तर वगैरह भी रख दूंगी, तो ये सब काम निपट जाएगा। अब नहाना धोना पूजा पाठ मेरा सब हो चुका है बच्चों के जाने से पहले ही, लेकिन आज प्लान शाम तक का शूट करने का था, तो मैंने डिटेल में मॉर्निंग शेड्यूल जो है वो शूट नहीं किया। और ये सब करने के बाद मैं हो जाऊंगी तैयार, और ये मैंने तैयार होकर एक दो फ़ोटो क्लिक की थी और वीडियो शूट की, उसमें मुझे लगभग लग गया 2.5-3 घंटा। उसके बाद मैंने सेकी रोटियां, जब बच्चे आ गए लंच वगैरह कर लिया, और उसके बाद उन्हें पढ़ाने बैठी थी। हेलो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं शाम के 5:20, और बच्चों को भेज दिया है ट्यूशन। अब मैं शाम का काम जो है शुरू कर रही हूँ, और दिन में मैंने शूट की थी वीडियोस, तो इस वजह से मैंने मेकअप किया हुआ है। लेकिन अब लग रही थी बहुत तेज गर्मी और किचन में भी काम करना है, तो मैंने अभी गाउन पहन लिया है दोबारा, जो मैंने सुबह रेडी होने से पहले पहना था नहा के, तो वो मैं मैक्सी उसको टांग देती हूँ, तो अगर मुझे बीच में चेंज करना हो तो वही वाली मैक्सी शाम को काम कर जाती है, मतलब दिन की एक मैक्सी रहती है। अब ये है कि पहले मैं शुरुआत करूँगी बर्तन धोने से, और बर्तन धोने के बाद पहले डिनर बना लूँगी, तोरी की सब्जी और रोटी बनानी है, और वो सब साफ करके फिर जन्माष्टमी का जो पाग बनाना है, एक कतरिया जमाऊंगी थोड़ी सी, और उसके लिए गोंद भी आना है, तो वो हस्बैंड जब आएंगे शाम को ऑफिस से तब वो लेके आएंगे, तो वो काम होगा डिनर बनने के बाद, किचन वगैरह साफ करने के बाद। और निकालना है जी मलाई, निकाली हुई थी सुबह, निकाली थी आपने देखी होगी, तो उसका मक्खन निकालूंगी, तो थोड़ा से का घी बन जाएगा और थोड़ा सा मक्खन निकल जाएगा, तो जन्माष्टमी पे माखन मिश्री का भोग लग जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, और उससे पहले मैं बर्तन धोऊंगी, तो यहाँ पे पंखा चला देती हूँ। ये वाले जो फैन है ना, इसकी हवा काफी हद तक वहां पे लगती है, तो जितनी देर मुझे किचन में गैस जलानी होती है उतनी देर तो मुझे जरूरत पड़ती है कि पंखा वगैरह मैं बंद रखूं, अदरवाइज ये है कि पंखा चल जाता है। इसी वजह से जो है मैं किचन में आराम से काफी देर तक काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उतनी ही देर रुकना पड़ता है बिना पंखे के जितनी देर मेरी गैस चलती है। तो अब मैं बर्तन मांजना शुरू करती हूँ, और एक आध क्लिपिंग उसकी भी शूट कर लेंगे। अब मैंने सारे बर्तन जो हैं वो पानी से निकाल लिए और झूठन अलग करके रख दी है। आज ये विम बार जो है जिससे मैं बर्तन मांजती हूँ, ये जो है अभी नया निकालना है, लेकिन जब भी मैं नया साबुन निकालती हूँ उससे पहले जो ये किनारे किनारे पे रह गया है पहले मैं इसको ख़त्म करूँगी, और इसी टाइम इस डब्बे को अच्छे से धो के रख देंगे, क्योंकि वरना इस डब्बे का धुलने का कभी भी नंबर नहीं आता और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो जब भी साबुन बदलती हूँ तभी इसको भी धो के रख देती हूँ। अब साबुन अभी आधे बर्तन ही हो पाएंगे तो निकालूंगी अभी, लेकिन इसको धो भी दूंगी साथ के साथ। तो ऐसा करने से आपके जो ये सामान हैं जिन पर यूजुअली ध्यान नहीं जाता लेकिन सामने रहते हैं तो गंदे दिखते हैं, वो भी आपके हाथ के हाथ साफ हो जाते हैं अगर आप इस तरीके का अपना रूटीन बना लें कि जब वो खाली हो, सर्फ़ का डिब्बा या साबुनदानी कुछ भी हैं ये चीज़ें, तो एक दिन स्पेशल सफाई करने से अच्छा है आप जिस दिन इसमें दूसरा रिफिल करें कुछ भी, उस दिन इसके केस को भी अच्छे से साफ कर दें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चमकती रहेंगी आपकी हमेशा। अब मैं हाथ के हाथ जो बच्चों के टिफ़िन हैं और मेरा भी रहता है यूजुअली, आज नहीं है, तो उनके टिफ़िन और उनके टिफ़िन की छोटी वाली डिब्बी वो मैं अलग ही रखती हूँ, ताकि सुबह जो है वो इधर उधर मुझे ढूंढने ना पड़े। छोटे छोटे ढक्कन रहते हैं। बस टोकरे में इनके पानी की बोतलें हैं, ये अभी जब ये वाली लॉट बर्तनों की लगेगी वापस जगह पे तो ये तब निकल जाएंगी।
ये उसमें नहीं आती हैं। जो फ्रूट बास्केट बाहर रखी हुई है आपने नोट भी किया होगा, उसमें टिफ़िन वगैरह रहते हैं क्योंकि आजकल फ्रूट तो बाहर रहते नहीं। अब इतनी ही बातों बातों में ये जो है 20-21 मिनट लगे हैं, ये मैंने सारे बर्तन अच्छे से धो दिए और जो पानी इधर उधर गिर गया है इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, तो मेरी किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और तैयार है ये शाम की दूसरी पाली के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पहले मैं बनाने के लिए तोरी बनानी है, तो तोरी निकाल के रखूँगी, थोड़ी सी अपना टेम्परेचर वो सही कर लेगी, प्लस जो मलाई मैंने सुबह निकाल के रखी थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो उसको थोड़ी देर बाहर निकाल के रखूँगी ताकि वो थोड़ी सी कम ठंडी हो जाए और बिल्कुल सही टेम्परेचर होगा तो वो फटाफट निकल जाएगी। ना ज़्यादा ठंडी मलाई में से घी निकलता है जल्दी और ना ही बहुत गर्म में से, बिल्कुल सही सा टेम्परेचर होना चाहिए। तो इतने मलाई अपना टेम्परेचर ठीक करेगी, इतने मैं छील लेती हूँ तोरी, और दूध पकाना था मुझे तो वो दूध भी पकाने रख दूँगी। तो दोनों तीनों काम जो है वो एक साथ अब स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। अब प्लान तो यही है कि सारा जो है तोरी की सब्जी प्लस रोटी ये सब बना के मैं एक किनारे रख दूँगी और किचन साफ़ करके दोबारा तब बनाऊँगी वो जन्माष्टमी का। अब ये कायदे में तो देखिए फ्रेंड्स सुबह सुबह बनना चाहिए कि आप बासे मुँह ये वो नहा धो के, लेकिन अगर मैं सुबह के चक्कर में रहूँगी ना तो कल मेरा स्कूल है और फिर एन जन्माष्टमी वाले दिन सुबह अगर इन केस कुछ हो गया कि नहीं मैं बना पाई तो फिर ये बनेगी ही नहीं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सारा काम करके सफाई वफाई करके उसके बाद फिर मैं शाम को ही अब इसे बना दूँ। अब ये जो मलाई है उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गया है, इसको मैंने चमचे से ही निकाल लिया और चला रही हूँ, लेकिन आज आराध्या जो है वो ट्यूशन में से आधे दिन में ही वापस आ गई, आधे टाइम में ही उसका फ़ोन आ गया था उसकी टीचर का कि उससे नहीं बैठा जा रहा है, कल भी नहीं गई थी तो वो बहुत ज़्यादा वीकनेस उसको आ गई है, अभी वो रिकवर नहीं कर पा रही है, एक उलझन सी ये भी दिमाग में है। अब 6:20 हुए हैं, मक्खन तो रेडी है, इसको धो के मैंने कढ़ाई में पलट लिया, तोरी कटी हुई रखी है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि प्याज ख़त्म हो रही थी, दिन में मैंने पनीर की सब्जी में प्याज डाल दी और इन्हें बताना मैं भूल गई कि प्याज नहीं है, वरना ये ऑफिस जाने से पहले मुझे दे के जाते। अब जो मेरा प्लान था कि जब तक ये आते तब तक जो कतरिए थी वो भी शायद मैं जमा चुकी होती, लेकिन अब ये होगा कि जब ये आएंगे तब ये प्याज लेके आएंगे और गोंद भी तभी आएगा, तो ना तो पहले कतरिए बन सकती हैं किचन को साफ़ करके और ना ही अभी तोरी बन सकती है, तो मैं इधर उधर के जो अपने और काम हो सकते हैं वो निपटा रही हूँ। लगभग एक घंटा भी इन्हें आने में लगेगा, 7:30 तक ही आएंगे, तो तब तक मेरे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है सिवाय वेट करने के। तो यहाँ मैंने पहले आटा गूँथ के रख दिया है और बहुत ज़्यादा टाइम होगा तो रोटी पहले बना दूँगी, तोरी तो फटाफट क्योंकि बन जाती है। अब ये आटा ढक के रख देंगे, दोनों दूध ये पक गए हैं इन्हें ढक के रखूँगी, घी अभी टाइम लेगा ये पक रहा है, दो जगह मैंने मक्खन निकाल के रखा है, एक नमक मिला के ब्रेड के साथ खाने के लिए और दूसरा जो है वो भोग के लिए, वो सब अलग अलग रखा हुआ है। और अब शाम का टाइम हो गया तो मैं शाम का दीपक जला रही हूँ, आरोही भी ट्यूशन से आ चुकी है तो वो अपना छोटा मोटा जो नाश्ते का सामान सूखा रखा हुआ है फ़िलहाल वो चल रहा है स्नैक्स में इन लोगों का, तो वो सब वो खा रही है, अभी मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है स्नैक्स में, तो थोड़ा सा अपना दीपक जला दूँ शाम का, उसके बाद देखती हूँ कि और क्या काम है जो हो सकता है फ़िलहाल जिसमें अभी कोई अटकन नहीं है, क्योंकि अभी तोरी भी नहीं बनेगी और कतरिए भी नहीं बनेगी, तो देखते हैं इसके बाद क्या हो सकता है। अब यहाँ पर पक रहा है घी, ऑलमोस्ट डन है, ये आ चुके हैं ऑफिस से, तो प्याज आ गई थी तो मैंने फटाफट से प्याज काट के और तोरी छोंकना शुरू कर दिया। अब इनकी आरोही जो है वो रो रही है थोड़ी सी, कह रही है कि मेरी आँखों में जो है वो दर्द हो रहा है, तो मैंने उसको बोला कि भाई रेस्ट कर लो और टीवी वगैरह जो है वो अभी आज शाम तक बिल्कुल फिर देखो मत, अगर वो हो रहा है तो अभी सोने का तो टाइम है नहीं, खाना वाना खा के सोना, तो इसको समझा बुझा के भेजा है। और इधर तोरी पकेगी उधर घी भी हाथ के हाथ उतना होता रहेगा और उसके बाद मैं सेक लूँगी रोटी,
इतना काम करने के बाद डिनर जैसे ही ख़त्म होगा, अब चेंज ये होगा शेड्यूल में कि मैं खाना बनने के बाद सीधे खाना खाऊंगी नहीं, पहले कतरिए का काम देखूंगी, सफाई करके किचन की, और फिर खाना खा के सीधे एडिटिंग वगैरह करके सो जाऊंगी। तो यहाँ पर घी पूरा हो चुका है, अभी तोरी में थोड़ी सी कसर है, तो मैंने घी की कढ़ाई इधर रखी और फटाफट से रोटी सेकने की तैयारी करूँगी। अब बजे हैं फ्रेंड्स लगभग 8 बजने वाले हैं, ये तोरी रेडी हो चुकी है और रोटियां मैंने सेक ली फटाफट, इतने तोरी गली मेरी। और अब जो है मैं फटाफट से जो है किचन क्लीनिंग में लगूंगी, तो बर्तन धोने के लिए पहले मुझे खाली करना पड़ेगा टोकरा। अब मैं जितना तेज़ी से भी काम कर सकती हूँ उतनी तेज़ी से कर रही हूँ, क्योंकि कल सुबह स्कूल है और अभी इसके बाद मुझे 8:30 तक समझिए मैं निपटूंगी बर्तन वगैरह धो के। उसके बाद कम से कम 1 घंटा लगेगा वो कतरिए बनाने में, क्योंकि मेरी स्पीड उसमें इतनी अच्छी नहीं है, मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, तो मुझे भी देखभाल के बनानी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो ये वीडियो शूट हो रही है ये भी मुझे एडिट करनी है उसके बाद, तो टाइम जो है वो थोड़ा सा कम है, और ज़्यादा देर हो गई तो फिर सुबह स्कूल उठने में ना बहुत परेशानी होती है, उठा भी जाओ तो फ्रेशनेस ही नहीं रहती। तो मेरी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी मैं ये सब काम निपटा सकूं उतना अच्छा। तो ये सब मैंने कर लिया है अभी देखिए, और पहले चौकी बिलना जो है वो पानी में भिगो दिया ताकि चौकी बिलना अलग से धो के रख दूं, और बाकी मैं इतने ये जो बर्तन हैं हाथ के हाथ सब्जी जो है वो 4 जगह चारों कटोरियों में चारों की करके रख दूंगी, ये लोग अपना खाना ले जाएंगे। रोटियों में मैंने घी लगा के कैसरोल में रख दिया है, तो यहाँ से ये वाला खाना हट जाएगा, इतने में बर्तन धोऊंगी तो स्लैब बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, पूजा का वो बन जाएगा आराम से, कोई यहाँ पे झूठन वाला काम नहीं रहेगा। अभी घी गरम है तो ये कढ़ाई तो अभी खाली नहीं हो पाएगी, बाकी मैंने कढ़ाई जो फ्राइंग पैन में सब्जी बनाई थी वो चौकी बिलना तवा वगैरह वो सब अच्छे से खाली करके धो दिया है। अब मैं स्लैब पे कपड़ा मार रही हूँ, सब साफ़ हो जाएगा। अब इसके बाद ये लोग अपनी सब्जी यहाँ से ले जाएंगे और किचन जो है वो क्लीन हो जाएगी, उसके बाद मैं शुरू करूँगी काम वो पाग बनाने का या कतरिए जमाने का। अभी टाइम हुआ है 8:20। फ्रेंड्स डिनर का काम अब निपट चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी बना लूँ, कि आज के चक्कर में लेट हो गया, लेकिन ये है कि ये लोग इतने खाना खाएंगे 15-20 मिनट में जो मेवे हैं वो रोस्ट हो जाएंगे, और अगर बन गई तो अभी बना दूंगी, नहीं तो फिर कतरिए बनाने के लिए मैंने एक तरफ तो रखी चीनी, चाशनी बनाने के लिए जो है चीनी रखी है 2 कप चीनी, और 1 कप इसमें डाला है मैंने पानी, और इधर चाशनी रेडी होगी। इतने एक एक करके मैं जो हूँ ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई कर लूँगी। अच्छा ये ना मैं पहली बार ही बना रही हूँ फ्रेंड्स, लड्डू वगैरह तो फिर भी मैं बना लेती हूँ ईजीली, लेकिन कतरिए जो है वो यही रहता है कि जमेगी नहीं जमेगी, थोड़ा सा रिस्की सा लगता है, तो मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी बन जाए। टेस्ट तो ख़राब होने का देखिए इसमें चांस है नहीं, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स डलेंगे, घी है चीनी है, तो कुछ भी मैं ऐसी चीज़ है नहीं जो गंदा टेस्ट दे जाए, और बस एक ही रिस्क है इसमें कि ये जम जाएंगी या नहीं जमेंगी। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि क्या स्ट्रेस लेना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हाथ में नहीं पकड़ी जाएगी, चम्मच से खानी पड़ेगी, लेकिन बन तो जाएगी ठीक ठाक, तो इसी उसमें मैंने जो है वो रिस्क ले लिया। वरना ड्राई फ्रूट्स डाल के कोई चीज़ बने और आप अनश्योर हों तो अगर वो बेकार बने तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है, तो अभी मैं इसीलिए सब कुछ कैलकुलेटिव रिस्क ले रही हूँ कि अगर बिगड़ी भी तो क्या हो सकता है, कितनी बिगड़ सकती है और क्या बिगड़ सकता है, तो सब कुछ सोच के मैंने फिर भगवान का नाम लेके शुरू कर दिया है बनाना। और सबसे पहले जो है वो काजू फ्राई किए हैं मैंने, ये देसी घी लिया है बड़े वाले डिब्बे में से, और जो है ये काजू तो गोल्डन ब्राउन, मतलब जो रेसिपी में बताया था वैसे के वैसे मैं बता रही हूँ, गोल्डन ब्राउन जो है वो काजू हमें करने हैं इसमें, और उसके बाद एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट करने हैं, मतलब डीप फ्राई करने हैं, और उसके बाद इन्हें पीसना है हमें, तो वही सब चीज़ें मैं अब कर रही हूँ एक एक करके। पहले मैंने जो है काजू फ्राई किए,
इसके बाद अब बादाम की बारी है, और इसके बाद एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आते जाएंगे। अब डाले हैं मैंने ये वाटरमेलन सीड, ये थोड़े ज़्यादा से डलेंगे, मतलब दो मुट्ठी के करीब डल जाएंगे, भर के दो मुट्ठी। तो ये मेरे पास थे, ये मैंने डाल दिए। इनको भी फ्राई करना है अच्छे से और निकाल लेना है। अच्छा, इनको हम साबुत भी डाल लें क्योंकि ज़्यादा बड़े तो हैं नहीं, स्वाद अच्छा ही लगेगा। लेकिन रेसिपी में पीसे थे, देखती हूँ या तो पीस दूँगी या फिर ऐसे ही कूट दूँगी या फिर सादे ऐसे ही डल जाएंगे साबुत ही, देखते हैं इनका क्या होता है। लेकिन फ्राई तो इन्हें करना ही है, तो वही मैं कर रही हूँ। बीच बीच में चाशनी को भी चलाती रहूँगी। अब इसका चमचा हो गया है गरम, तो इसको भी देखना पड़ेगा। फ़िलहाल चाशनी जो है वो पक रही है, अभी हुई नहीं है पूरी तरीके से। और अब बारी आ गई है इसमें मखाने की, और मैंने मखाने डाल दिए। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि गोंद पहले डाल देती तो सही रहता, क्योंकि अब इसमें जितना भी घी बचा है वो मखाने जो है वो पी जाएंगे। तो गोंद भी मुझे इसी में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अब मैंने उसमें डाल दिए हैं मखाने, तो पहले वो हो जाएंगे और सबसे एंड में जो है वो मैं डालूँगी गोंद। अभी गोंद के लिए मैंने एक चम्मच घी इसमें फिर दोबारा से डाला और ये गोंद जो है चटका लिया। अभी ये थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ गोंद डाल के। ये सब चीज़ें मेरी सासू माँ बनाया करती थी, हम तो बस खा लिया करते थे, मेरा कभी नंबर नहीं आया ये सब चीज़ें बनाने का। और यहाँ पर आने के बाद भी सिंपल सिंपल सी रेसिपी बना लिया करती थी, जो मुझे जिनमें रिस्क फैक्टर कम हो। अब इतनी सारी चीज़ें मिला के मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि जब मैंने रेसिपी वीडियो देखी ना तो मुझे लगा देख के आसान सा कि शायद मैं बना लूँगी। और बाकी सारा सामान तो घर पे था ही, केवल ये गोंद आनी थी तो ये मैंने मंगा ली। अब मुझे एक बार जो डाली थी गोंद वो थोड़ी सी लगा कि कम है, तो मैंने इतनी ही एक बार और फ्राई करके इसमें डाल ली। अब रोस्ट करने का जो काम था वो ख़त्म हो गया, और लगभग 9:15 के करीब टाइम हो चुका है, तो इसमें मुझे लग गए 20 से 25 मिनट। अब यहाँ पर ये चाशनी है फ्रेंड्स, अभी ये जो है फ़िलहाल तो इसमें कोई तार वार मुझे नज़र नहीं आ रहा, बस ये है कि चीनी पिघल गई है। तो मैंने इसको गैस बंद कर दी थी कि कभी ये ज़्यादा गाढ़ी या कुछ ना हो जाए। अब इसे दोबारा ध्यान से देखूंगी, इतने मसाले वो जो ड्राई फ्रूट रोस्ट हुए हैं वो थोड़े ठंडे होंगे, इतने इसको देखूंगी। तो इसमें मैंने एक चम्मच डाला है ये दूध, इससे जो चाशनी का मैल सा आता है ना, चीनी का मैल सा उतरता है, वो उतर जाता है और जो चाशनी है वो बिल्कुल वाइट बन जाती है। तो ये चीज़ मुझे पता है, और थोड़ी सी वीडियो में देख के रिकॉल भी हो गई, मतलब ये मैंने पहले भी किया है। ये देखिए, ये काला काला सा, ये खूब सारा मैल सा निकल जाता है। तो जो भी चीज़ इससे बनेगी ना वो ज़्यादा वाइट और क्लियर सी बनती है। तो इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें से ये निकलता रहेगा काला काला, ये ऊपर ऊपर का झाग उतारते रहेंगे किसी एक अलग कटोरी में। और ये जो है अब हल्की हल्की सी गाढ़ी होनी शुरू हुई है, लेकिन तार वार इसमें अभी भी नहीं है, लेकिन ये है कि ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और होएगी। तो यहाँ मैं इसको, इसके बाद मैंने 1-1.5 मिनट बाद इसको बंद कर दिया था चाशनी को। अब ये जो मेवे हैं ये ठंडे हो चुके, तो इनको एक एक करके ग्राइंड करना है, एक साथ ये ढंग से नहीं होएंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ एक एक कर दोगे, तो वो हमेशा खड़े रहते हैं अगर मैं कोई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने वो जो है मेवे एक एक करके किए, और गोंद और जो मगज के बीज थे वो मैंने ये अदरक कूटने वाले से थाली में ही ऐसे ऐसे करके देखे, तो ये इसमें अच्छे से पिस गए, ठीक ठाक दरदरे। तो इन्हें मैंने इसमें कर लिया, क्योंकि हो सकता है ग्राइंडर में चिपक ना जाए, थोड़ा सा हम दोनों को ही उलझन सी थी, तो ये मैंने अलग कर लिए बजाय उसमें चिपकने का रिस्क लिए बिना। अब इस थाली में ना इतना घी है फ्रेंड्स कि सारे मसाले, जो मसाले बार बार मुंह से निकल रहा है, ड्राई फ्रूट्स जितने भी रखे थे ना वो सब घी में फ्राई थे, तो उन्होंने काफ़ी घी छोड़ा है। तो थाली ऑयली जो ग्रीजिंग करनी होती है ना वो पहले से हुई हुई है। अब इन सारे जो पाउडर बना है इसको मैंने हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि ढंग से मिक्स हो जाए। थाली मेरी रेडी है, अब चाशनी भी रेडी है,
अब मैं क्या करूँगी, बस इसको चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके इस पाउडर में मिलाती जाऊँगी और इसको चमचे से जो है वो मिक्स करती जाऊँगी, क्योंकि चाशनी अभी गर्म है, अब मैं हाथ से नहीं कर पाऊँगी इसे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ी चाशनी डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी, एक पेस्ट साइज का बन जाएगा। पहली बार इस तरीके की कोई रेसिपी बना रही हूँ, डर तो लग रहा था कि बिगड़ ना जाए, लेकिन जैसे जैसे बनती जा रही है, जैसी उम्मीद थी वैसी दिख भी रही है, तो कसम से बड़ी खुशी हो रही है। मतलब अगर अच्छी बन गई तो सबसे पहले मैं अपनी सासू माँ को इसकी फ़ोटो भेजूँगी और डब्बे में करके उनके पास भी भिजवाऊँगी कि फाइनली मैंने भी कतरी जमा ली। अलग ही खुशी होती है, जैसे कोई नया काम सीख लो ना, तो वही वाली बात आ रही है, आज इसको देख के खुशी हो रही है बहुत। तो अभी ये परसों तक तो खैर कोई नहीं खाएगा जब तक भोग नहीं लग जाता, फिलहाल तो इसको रख देंगे, लेकिन परसों जैसे ही फाइनल होगी कि अच्छी बनी है तब मैं मम्मी के पास ज़रूर भिजवाऊंगी इसे। अभी ये मिक्स होके देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मेरे पास ना देख फ्रेंड्स छोटी थाली नहीं है, घर पे थी वो मैं मिस कर रही हूँ इस टाइम पे। छोटी थाली होती तो उसमें ये प्रॉपर अच्छे से फिट हो जाता। अब इसमें बड़ी थाली में क्या करूँगी कि इसको गाढ़ा है काफ़ी, बह नहीं रहा है, तो इसको ना एक मतलब लिमिटेड एरिया तक ही फैलाऊँगी ताकि एक थिकनेस सी जो है वो उसकी बनी रहे। अगर मैं पूरे घेरे में फैलाने की कोशिश करूँगी तो ये बहुत ही पतली हो जाएगी, तो एक अप्रोप्रिएट मोटाई जब तक रहेगी तब तक मैं इसको अच्छे से फैला दूंगी और यूं का यूं रह जाएगा। अब ये बादाम जो हैं वो जब इन्होंने पीसे हैं तो वो ढंग से नहीं पीसे, कोई कोई बादाम पूरा पूरा ही आ गया है, तो अब छोड़ देते हैं इसको जैसा भी हो गया, क्योंकि काफ़ी हद तक तो वो हो गए टुकड़े टुकड़े। अगर वो इससे ज़्यादा चलाते तो कह रहे थे कि बिल्कुल पाउडर हो जाएगा, उनका मन था कि छोटे छोटे पीस हो जाएँ, तो ये जो है थोड़े थोड़े एक आध बादाम इसमें पूरा पूरा भी दिख रहा है। अब उसमें जिसमें रेसिपी मैंने देखी थी ना, उन्होंने बोला था कि गरम में ही मतलब काट दें, तो मैंने डिट्टो यूं का यूं जैसा उन्होंने बोला था वो कर दिया है। शायद ये मतलब हार्ड हो जाएंगी तो उसके बाद काटने में दिक्कत आए, तो आराम से कट रही थी तो मैंने इसको अभी काट दिया और अब इसको रेस्ट करने दूंगी जब तक ये टेम्परेचर इसका आराम से बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता। और अब मैंने 6 या 7 ये पिस्ते हैं, इनको बारीक काट के इसकी गार्निशिंग कर दी है, तो जैसा वीडियो में देखा था वैसे का वैसा मैंने चेप दिया है इसमें, और अब खाने के बाद आपको बताऊंगी जब खाएंगे कि कैसे बने हैं। अब मुझे फटाफट करने हैं ये बर्तन खाली और क्लीनिंग करनी है। घी भी अब ठंडा हो चुका तो इसको भी छान दूंगी, क्योंकि सुबह स्कूल है, सुबह के लिए छोड़ने का कोई मतलब नहीं है कोई भी काम, जो भी काम है मुझे अब सब निपटा के ही सोना है। अभी मुझे किचन में ही आज लेट हो गया है, तो बच्चों की यूनिफॉर्म पे आयरन वगैरह का काम जो है वो हस्बैंड देख रहे हैं अंदर, और उनको टाइम से वो लेके सोएंगे भी। मैं खाना लेके जा रही हूँ और देख रही हूँ कि शायद आराध्या शायद अभी भी झूले पर ही है, तो इसको उठा के भेजना है। उठो अंदर जाओ, अंदर जाके लेटो। फ्रेंड्स 10:10 हुए हैं और ये कतरिए अभी थोड़ा और टाइम लेंगी, काफी हार्ड हो गई हैं, जम गई हैं, लेकिन जो मुझे मेन डर था ये था कि ये जमेंगी या नहीं, तो ये हार्ड हो गई हैं, अच्छे से जम गई हैं। और घी छन चुका है, लेकिन अभी मैंने इसको छन्नी से ही ढका है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, सुबह इस पे ढक्कन लगाऊंगी। ये टमाटर धो के इनका पानी सूख चुका है तो इसको कर देंगे फ्रिज में, इतना काम है। और सुबह नाश्ते में मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए ब्रेड पिज्जा, तो वो सब सोच के सोच के सोना होता है। अभी फिलहाल जो है अभी 10:15 हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ ये जो शूट कर रही हूँ ये वाली वीडियो के एडिटिंग करने के लिए, ताकि आपको कल वीडियो टाइम से मिल पाए, और अगर मैं नहीं कर पाई किसी वजह से तो हो सकता है वीडियो लेट हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज।